आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन हेडफोन जो कि है वन प्लस बुलेट वायरलेस बेस एडिशन। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो बेस एडिशन है, लेकिन एक में बेस एडिशन है और दूसरा नॉर्मल एडिशन है। बेस एडिशन में होता क्या है कि ज्यादा उसमें बेस आता है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर इस बेस एडिशन में कितना ज्यादा बेस हम लोगों को मिलता है और क्या कुछ फीचर्स के साथ आता है और कैसा है ये हेडफोन। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के साथ आपको मिलता है ये फोन और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एयर टिप मिल जाता है जो कि यहाँ पे टू पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयर टिप्स है और साथ ही साथ आपको ये यूएसबी सी टाइप एक डंगल मिल जाता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा क्वालिटी का आपको केबल मिलता है। तो इसको मैंने लगभग एक घंटा तक यूज कर लिया है और यूज करने के बाद मुझे जो सारी चीज यहाँ पे फील हुआ वही मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आया हुआ है और ये वाला जो आपका नेक पोर्शन है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं बोट का भी ईयरफोन यूज किया हूँ, उसमें ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और आपका यहाँ पे नेक में इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से बैठ जाता है ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया। दूसरा चीज, यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक मेटल मिल जाता है, इसको अगर आप टच करके रखते हैं तो आपका एयरफोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्ले होने लगता है। ये काफ़ी एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर आप गलती से इसको लगाना भूल जाते हैं या तो अगर मान लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं उस समय ये आपका गलती से छूट गया और दो घंटा तक अगर प्ले होता ही रहा तो उस समय आपका फ़ोन का बैटरी, फ़ोन का नेट और यहाँ पे ईयरफोन का भी बैटरी जो है वो लॉस हो जाता है। और कहने की बात ये है कि यहाँ पे चार्जर जो है तो काफ़ी ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10 से 15 मिनट अगर आप इसको चार्ज कर लोगे तो ये कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आप 5-6 घंटा आराम से गाना सुन सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 मिनट चार्ज में बैठाया था जबकि इसको मैंने अनबॉक्सिंग किया था उस समय 60% चार्ज था, तो मैंने 5 मिनट दे दिया तो ये पूरा 100% चार्ज हो गया, तो काफ़ी जल्दी ये चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया मेरे को लगा। यहाँ पे मैंने बोट का भी 255F 255F Pro दोनों अनबॉक्सिंग किया था और दोनों को मैंने यूज किया है, आप लोग देख सकते हो आई बटन पे वो सारा वीडियो दिया हुआ रहेगा। तो बहुत सारे एयरफोन के कंपैरिजन में इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा साउंड क्वालिटी है। साथ ही साथ अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं तो आपका यहाँ पे ईयर में कोई दिक्कत नहीं होता, दर्द नहीं होता है। तो मैंने इसको लगभग एक घंटा कंप्लीटली यूज किया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आया और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसलिए यहाँ पे आपको आरामदायक फील होता है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे वन प्लस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें बेस, ट्रैवल, मिड टोन, वॉयज, हर एक चीज़ जो है वो एकदम लिमिटेड रखा गया है, बहुत ही सही तरीके आपको गाना सुनाई देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मेन फीचर्स की बात करेंगे। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो चीज़ ये है कि जब भी हम लोग कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ गेम प्ले करते हैं तब लेटेंसी नज़र आता है, मतलब हम लोग जो एक्चुअल गेम प्ले में जो साउंड दे गया कान में उससे थोड़ा सा लेट सुनाई देता है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है लेटेंसी। लेकिन इस ईयरफोन के साथ मैंने पबजी प्ले किया तो साउंड जो था वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे सुनाई दिया, तो लेटेंसी यहाँ पे 0 के बराबर है या तो आप कह सकते हो ना के बराबर है। तो मैंने खुद पबजी प्ले किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे लेटेंसी एकदम 0 रखा गया है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ब्लूटूथ ईयरफोन में जनरली लेटेंसी रहता है, लेकिन इस ईयरफोन के साथ आपको 0 लेटेंसी देखने को मिलता है। तो ये था एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग और फर्स्ट रिव्यू रिगार्डिंग वन प्लस बुलेट जेड बेस एडिशन ईयरफोन के साथ। ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा आप लोग डेफिनेटली मुझे बताना। बाकी आपको अगर इस ईयरफोन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ।
बाकी अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।